नमस्कार गोटे बड़ खबर सह अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपनको स्वागत करछु दुर्गाश्री सठा काठी रे आईन मंत्री प्रताप जेना एवं मंत्री प्रताप जेनाक अड़ुआ बढ़ी महांगा डबल मर्डर केस रे आज कड़ा अभिमुख ग्रहण करिछंती कोर्ट एवं कोर्ट कौन कहिछंती मु आपनको पढ़ी सुने देउछि। आज मंत्री प्रताप जेनाक बाबद रे मंत्री प्रताप जेनाक बाबद रे तदंत संपर्कित तथ्य देवाई कोर्ट कहिछंती सालेपुर एसडीजीएम कोर्ट कहिछंती ये वर्तमान सबुठारु बड़ खबर जे आईन मंत्री प्रताप जेनाक अड़ुआ बढ़ला कोर्ट को छाट पड़ा एवं खबर ये जे मंत्री प्रताप जेनाक बाबद रे तदंत संपर्कित तथ्य रखा पाई सालेपुर एसडीजीएम कोर्ट खाली से नुह मंत्री प्रताप जेनाक पीए उमाशंकर विश्वाल ओरफ बापीर कॉल रेकर्ड दि एक कही कोर्ट आम प्रथम मन पकातु तीन सीम्र रहस्य कथा देखेला आर्गस एवं जो थे आम प्रश्न उठेलु जे बापी विश्वास शरत नायक आउ प्रफुल्ल विश्वास एम कॉल डिटेल्स जांच हो आज एक्जाक्टली से कथा कहते कोर्ट एवं कोर्ट महांगा ब्लॉक अध्यक्ष शरत नायक मोबाइल कॉल रेकर्ड जांच निर्देश देते शरत नायक मोबाइल कॉल रेकर्ड दाखल कर अर्थात पुलिस जहाँ सबू करी जाशु करूँ ना कोर्ट को छाट पड़ी एवं कॉल डिटेल्स दाखल हम कार बापी विश्वास आउ शरत नायक ए दिज संगीन अभिजोग ये दिज हूं सीए जो मैंने दयाक आप स्क्रीन को आणतु लोक भी देखु ये बापी विश्वास किए आउ शरत नायक किए एम हत्याकारी जो अभिजुक्त मैंने अच्छा सहित जोगसूत्र रक्षा करते अभियोग दिज जड़े मंत्री राइट हैंड आउ जड़े मंत्री लेफ्ट हैंड बापी विश्वाल कॉल डिटेल्स जांच आगुरी भी बारंबार विरोधी दाबी करी सबुठ बड़ कथा जे महंगा डबल मर्डर केस रे मुदाला नंबर 13 थिले आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्री प्रताप जेना पावरफुल मंत्री नगर उन्नयन पंचायती राज सहित आईन मंत्री एवं महंगा डबल मर्डर केस रे दफा 302 लगी से मुदाला नंबर 13 किंतु सरकार को चापरे पुलिस चेपा हो गला आउ चार सीट रु ना काटिदेला सीधा सड़क आम सहित जोड़ी रमाकांत बराल जे कुलमणि बराल पुओ जे कोर्ट को जाते रमाकांत कोर्ट विस्तृत भाव आज कौन अर्डर देखिए राज्यवासी जानापी चाहते आप कोर्ट को जाते आपण बापा मर्डर केस ये कौन आज कोर्ट निर्देश देते आशा भरोसा रखी न्याय पाइव आशा रखीलु ये तो सरकार स्तर में किसी हैलानी आम 5G मुख्यमंत्री आवेदन कार्यक्रम को नेले नाई तेणु कोर्ट उपर आशा भरोसा आगुरी रखीलु एवं रखीचु कोर्ट जो निर्देश देते स्पष्ट हो ये जो बापी विश्वास शरत नायक एमने जोजोग अच्छा ये जो प्रताप जेना डायरेक्ट आपको माध्यम देकरी ये सब कार्यक्रम करपा हत्या दिव्य सिंह बराल कि मो बापा हत्या मंत्री करा आम जहाँ को कहले शुणु ना जहाँ आज कोर्ट जो अर्डर दे फोन जो सीडीआर पहुँच कोर्ट निहाती आज प्रमाण आपको शहे परसेंट आज सत्यता अच्छी बाहर आज ना यदि कोर्ट निर्देश अनुसार पुलिस दाखल करे आपण मैंने भी देखिए आगामी दिन लोक भी देखिए ये प्रमाण पूरा जल जल ही देखा जे मंत्री प्रताप जेना हाथ प्रच्छन्न हाथ रही रमाकांत ये जो सीडीआर आसिले ये मंत्री इनवल्वमेंट जो अभियोग आपण आणुंट प्रताप जेना संपृक्ति अभियोग ये पूरा चेनटा खुलासा हो प्रफुल्ल विश्वाल आप जो अभियोग आणुते जे काबुआ आपन को फोन करते जे मंत्री प्रताप जेना फसई यार खुलासा हम काबुआ सहित एने जोजोग निश्चित भाव जेहेतु से मत कही सीडीआर टा निहाती दरकार थिला जोटा पुलिस कहते प्रताप जेना सीडीआर टा किसी कंटाक्ट ना प्रताप जेना डायरेक्ट फोन रू कथ नई पारती कि सीडीआर पड़े एम सारे कि संपर्क अच्छे आम कोर्ट को जी पचारू एम सारे ये 2018 मसीह विकास जेना को हत्या कलापर ये केते थर कहीं सारे कथ हो हत्याकारी सागर बापी विश्वाल और अध्यक्ष मध्यम कौन सपोर्ट था मंत्री कौन सपोर्ट था कहीं कथ हो जो हत्याकारी ये जो लोक प्रतिनिधि से हत्याकारी सागर संपर्क कौन थी कहीं कथ होता तो आम दरकार जहाँ मानव कोर्ट आज देखें निश्चित भाव में
आश्वासना पाइजु एवं न्याय पाइ बोली आशा रखि दउ। ओके माने पुलिस चापी दउथला कोन को छाटा पडला एवं टिके मने पके दउछि काबुआ और प्रफुल्ल विश्वास ये महंगा डबल मर्डर केस रो अन्यतम अभियुक्त तार मृत्यु कोठेला एनएच उपर प्रताप जेनांक परिवार रो मालिकाना रे थिबा दुशासन स्टॉकयार्ड पाखरु संदेहजनक भाबे मृत्यु हेला एवं मृत्यु केमिति हेला कुआ गला ट्रक आसिकी धक्का करदेला ना तांको हेलमेट रे दाग थिला ना किछि शरीर रे विशेष क्षति थिला ताले मृत्यु केमिति हेला एवं या कुआ गला जे तांकु हत्या करिकी आसिकी सेठी फोपाड़ दिया हिची एवं पूरा संदेह घर रे थिला एवं से जो कॉल करथिले रमाकांत को जे भाईना नना मते बर्बाद कर देले मते फसई देले मंत्री प्रताप जेना मो पिला माने तते लागिले इवन रमाकांत फोन नंबर भी देथिले किंतु ताकु डिटेल्स जांच कला नाही पुलिस जानी सुनी कारण ये आईन मंत्री प्रताप जेना एवं ये पावरफुल मंत्री तांको सुरक्षा रे तांको घंटा घोड़ेबारे पूरा सरकार लागि जाइथिले। सीधा सड़क जीवा कोर्ट परिसर को आम प्रतिनिधि महांगा प्रतिनिधि आसित अछंति तांको संगे जो आईनजीवी भी अच्छा असित आईनजीवी ठार जानापी चाहबू जे कोर्ट आज कौन अर्डर देसित देखंतु दुर्गाशीष महांगा डबल मर्डर घटन देखंतु मान्यवर एसडीजेएम कोर्ट सालेपुर गोटे आज अर्डर देखते जे कि जो चेयरमैन जी अच्छा शरत नायक तांकर मंत्री जी सहयोगी बापी विश्वाल जे मृत जी सरपंच स्वामी प्रफुल्ल विश्वाल तांकर ए तीन जनकर पूरा मोबाइल रिकॉर्ड जांच करिया पाई मान्यवर कोर्ट देइछंती जे आम कतरे आईनजीवी अच्छा प्रवीण कानून को सीधा सड़क तांक सहित आलोचना करवा कौन रही था आज पूरा घटना तांक सहित आलोचना करा सर कौन कहे अर्गज को स्वागत कर सर सर कौन कह पूरा घटना कौन थी। हाँ सालेपुर मजिस्ट्रेट नोटांग महांगा डबल मर्डर केस रे जेहेतु 13 नंबर आक्यूज प्रताप जेना को डिलीट कर देथिले चार्जशीट रे सेथिपई कुलमणि बराळंकर पुओ जिए रमाकांत बराळ गोटे प्रोटेस्ट पिटिशन देथिले जो प्रोटेस्ट पिटिशन बल रे 25/8/2021 रे माननीय जेएमएफसी सालेपुर निर्देश देथिले एटा पुनर्तदंत करिया पई एवं पुनर्तदंत करिया समय रे महांगा पुलिस रो टाळटुळ नीति अवलंबन करिया परे तेणु एवं द्वितीय कथा हला जो सीडीआर कल्फर करा जीवो कने सीडीआर कल्फर जदि वर्षक भितर न करा जाए ताहले सीडीआर कल्फर आ मिलिबो नै एवं सेथिपई कुलमणि बराळंक पुओ जे रमाकांत बराळ गोटे दरखास्त देकरी माननीय अदालत को प्रार्थना करथिले जे डायरेक्शन दिया जाउ इन्वेस्टिगेशन अफिसर महांगा आईआईसी को सीडीआर कल्फर करिया पई कारण वर्षक भितर न मगेले सेटा आउ से देबे नै सेथिपई माननीय हाकिम जेएमएफसी सालेपुर एई त पिटिशन को विचार करी तांकर से आज गत 18/11/2021 रे निर्देश देइछंती महांगा थाना आईआईसी जे कि तदंत भार नेइछंती तांकु निर्देश देइछंती जे सीडीआर को अफर करा जाउ कारण सीडीआर होउछि अर्जेंट लिंक विथ अक्यूज को लिंक करा जाई पारिबो कि नाही से गोटे इम्पोर्टेंट मटेरियल एवं मटेरियल एविडेंस तेणु सेथिपई निर्देश देइछंती जे प्रफुल्ल विश्वाल जे कि मृत जे कि मरिबार किछि घंटा पूर्वरु कुलमणि बराळ पुओ को फोन करा जे मो पर तेत लगे मत मारिदे मुझ रही पारि एवं तार पुओ को मध्य फोन करते तेणु यही दृष्टि कौ मुदालार केते इनवल्वमेंट रही है परीक्षा करने सीडीआर इज रिक्वायर्ड तेणु सीडीआर मरवाई से प्रफुल्ल विश्वाल सीडीआर कल्फर करागला जी वर्तमान चेयरमैन अच्छा शरत नायक महांगा ब्लकर सीडीआर कल्फर करागला बापी विश्वाल जी कि प्रतिनिधि अच्छा प्रताप जेना महांगा निर्वाचन मंडल ने सीडीआर कल्फर करागला केवल से आपण मैंने मन रखा दरकार जे 25/8/2021 जो मान्यवर जेएमएफसी निर्देश देते तो पुनर्तदंत करने आज पर्यंत कौन तदंत कर किभली तदंत कर से संबंध में कोर्ट को आज पर्यंत किसी न जन थी कोर्ट पुनर्बार निर्देश दे तुम इमिडियेट से जनाओ केवल एति नुहे जितेबाला यही दरखास्त दिहला यहाँ हूँ गोटे कम्प्लेन केस तेणु ये केस रे कई जेपर्यंत आक्यूज नपर्यंत जि आर केस इनवल्वमेंट करना कि सरकारी वकिल कौन क्षमता नहीं प्रोटेस्ट दवापी कितु जड़े सालेपुर जड़े सरकारी वकिल जी मानस रंजन दास जी अच्छा सी यही पिटिशन को प्रोटेस्ट कर गोटे जवाब दाखल करते स्पष्ट अनुभव हो सरकार केते दूर इंटरेस्टेड जो डिलीट दि नेम अफ आक्यूज नंबर 13 प्रताप जेना तेणु आपण मैंने समस्त अनुभव करेंगे गोटे वन सीसी केस रे सरकार तरफ दौने मुझे प्रोटेस्ट करी जदि प्रताप जेना जहाँ विरुद्ध में प्रोटेस्ट कराई सी आपिययर करी कैन प्रोटेस्ट नॉट दि गवर्नमेंट मैंने हाउ फार दि गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड
to investigate to motivated the investigation against the Pratap Jena. तेणु एथिरु अनुमान करा जाउछि जे इन्वेस्टिगेशन केबे निरपेक्ष नुहे तेणु जे पर्यंत आईन मंत्री निज क्षमता रे थिबे से पर्यंत आपण कोनोसी निरपेक्ष तदंत पाई परिबे नाही। तेणु मोर अनुरोध एवं सरकार को मध्य अनुरोध निश्चित भाव रे निरपेक्ष तदंत करिबा को संपूर्ण भाव रे आमे अनुरोध करूछु कुलमणि बराळंक पुओ तरफरु जे कि एडी दाखल करिसंती जेहेतु मु सेते जने एडवोकेट अछि एवं केस ताकु मूव करथिली एवं मान्यवर अदालत आज निर्देश देखते महंगा आईएस को यार पुनर्तदंत करने सहित इमिडिएट कल्फर सीडीआर कल्फर करिकिरी एवं समस्त को प्रिजर्वेशन रखापी निर्देश देखते या इंटिमेशन कोर्ट को जानापी अपरपक्ष जो चार्जसीट दिखाई है अन्य मुदला मान सीडीआर कल्फर करता तथा सी लिखी पुलिस आईओ लिखी मु समस्त सीडीआर कल्फर करु से संबंध में कौन सी डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखल कराए तेणु एथर संपूर्ण भाव अनुमय हो जे कौनसी मुदालार सीडीआर कल्फर करा जाय नाही तेणु ताकू भी मध्य मानवर जेएमएफसी निर्देश देछंती जो पूर्व मुदाला माने जो माने कोर्ट रे जो जेल रे रहिछंती तांकर सीडीआर कल्फर को रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट को आनी कोर्ट रे दाखल करिया पई मध्य निर्देश देछंती तेणु एथरो आपण माने जानिथिबे जो भली तदंत वर्तमान चालीछि से तदंत रे किभली सुफल मिलिबो आज डबल मर्डर केस रे किभली भाबरे प्रकृत दोषी आज किभली दंड पाइबे निश्चित भाव आज गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कर ओके जो कथा आसुची प्रफुल्ल विश्वाल भी कॉल डिटेल्स रेकर्ड दबापाई कहिछंती कोर्ट ये प्रफुल्ल विश्वाल काबुआ एवं इंटरेस्टिंगली जो तथ्य रखी थे कोर्ट रे पुलिस से कहगला जे काबुआर मोबाइल सीम ही नहीं जोटा आउ गोटे षड़ को सामना को आणुला एवं आईन मंत्री पदर इस्तफा देवे जदि इस्तफा न देवे तदंत निरपेक्ष हम देखु माने शासक दलर गृहराष्ट्र मंत्री आईन मंत्री एम सांघातिक अभोग श्रीयुक्त देवेंद्र साहू आम सह जोड़ कांग्रेस नेता श्रीयुक्त साहू आपड़ मूल रू ही एक डिमाण करुले कल डिटेल्स जांच हो कल डिटेल्स एम आपड़ एक बारंबार कहते विरोधी एक उठाई अर्गस भी उठाई बापी विश्वाल शरत नायक आ प्रफुल्ल विश्वाल एवं कोर्ट का छाट पड़ा पुलिस चापी देवाई चेस्टा करूला कोर्ट का छाट पड़ा ए रिकॉर्ड रु ए डिटेल्स रु पूरा खुलासा हो सुक्त साहू निश्चित न्यायालय पर विश्वास अच्छी मु प्रथम रु कही ये मर्डर केस मान्यवर मंत्री द्वारा कर गोटे गाँव में पांच लोक मरीगले आप बाजूपुर दिल्ली साहू एवं आपण विकास जेना कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल द्वारा करगला तरह मु प्रथम कहतु गोटे गाँव में एत गुड मर्डर हमार कारण कौन एवं ये बाबू महांगा गलापर ये मर्डर सब हो तो ये जना पड़ी ये लोकर संपत्ति किपर भाव अच्छी ये गोटे द्वितीय कथा आप लक्ष्य करेंगे कोर्ट ना को काटिदेला कहना से मान्यवर मंत्री अच्छी ना किए कौ पुलिस अफिसर लिख लिख चाकरी जीव से ना को काटिदेले कि जो कुलमणि बराल पुओ जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करमर विश्वास था निश्चित भाव कोर्ट आपको इंटरफेयर करोर्ट से 25-8 अर्डर देला इनक्वारी करने को बर्तमान सुधा भी इनक्वारी रिपोर्ट आसी दाखल है कोर्टे पुनर्व रमाकांत बराल कोर्ट को नहीं रमाकांत बराल केस आज अर्डर देने कोर्ट एडर चमत्कार से गोटे चार्जसीट दाखल कला लिखी थे 13 जन आम कल रेकर्ड जांच कलु मंत्री संपत्ति नाई कोर्ट कहला आण तुम कौन जांच कर दियो एक द्वितीय कथा जो कह सब इम्पोर्टां जे यही जो बाबू मान प्रताप जेना बापी विश्वाल शरत नायक एवं प्रफुल्ल विश्वाल आको कल रेकर्ड जांच कर मो पा सब कौन जांच कर तो बर्तमान इति गुड़ा विश्वास है न्याय निश्चय मिलो जिते चेष्टा कले सरकारी बल कल दल दे कि मान्यवर मंत्री खसे देवाई खसबन धर्म जय हम नि धर्म जय हम एवं कोर्ट को छाट पड़ी तुम जुआड़े गले आईन रात लंबा केते चेष्टा कले चार्जसीट रु ना काटिदेले किंतु एबे कोर्ट अर्डर देउछंती जे कॉल डिटेल्स जो सीम रे लुचिकी रही पूरा रहस्य काबुआ बापी विश्वास
शरत नायक तीन जन कॉल डिटेल्स रु पूरा खुलासा हो मो सहित मो सहयोगी शांतिभूषण जोड़ी होती शांतिभूषण अर्गस प्रथम रु खबर पचर रही ये डबल मर्डर कथा एवं पावरफुल मंत्री इनवॉल्वमेंट आसुची आम खुलासा भी करें कि भली सीम नथिला जो डॉक्यूमेंट देते मोबाइल रे सीम नथिला एबे कोर्ट को छाटो पड़ी शांतिभूषण निश्चित भाव आईन रो हाथ केते लंबा ताहा निश्चित भाव यही जो वर्तमान कोर्ट को निर्देश पर स्पष्ट होती जो कॉल रेकर्ड ही मूल आधार बा जो इनक्वायरी होती इनक्वायरी जो ना काटि देते मंत्री को ना काटि देते वर्तमान कॉल रेकर्ड देवाई कोर्ट कहते कॉल रेकर्ड देले आईआईसी महांगा संपूर्ण भाव में स्पष्ट हो प्रकृत में एथेरे दोषी किए जो तेरह जन मुदला थे तेरह नंबर मुदला थे मंत्री कौन संपृक्ति ना से ना को चार्जसीट्रु कटा परवर्त समय आप जानते पचीस आठ रे प्रोटेस्ट फाइल प्रोटेस्ट केस दाखल कले कूलमणि पुओ रमाकांत बराल से तो कोर्ट कहले आउ थे यार इनक्वारी हो री इनक्वारी हो री इनक्वारी बर्तमान केत बाट गला से नहीं आज प्रश्न पचार कोर्ट कहते निर्दिष्ट भाव में जो मानक ना अभियोग जी मंत्री प्रताप जेना पीए उमाशंकर विश्वाल और बापी विश्वाल कॉल रेकर्ड को देवाई कोर्ट कहते सहित महांगा ब्लक अध्यक्ष जे शरत नायक तांकर मध्य मोबाइल कॉल रेकर्ड जांच करेगी ताको कॉल रेकर्ड मध्य दाखल करेंगे कोर्ट में ये हूँ दुई जन मुख्य अभियुक्त सहित फोन में कथा होते आप एक दुर्गा से जानते जो दिन प्रफुल्ल विश्वाल दुर्घटना मृत्यु होगा से संदेह घर को आसते यही दुईज संदेह घर को आसते कारण से मरवा पूर्व से फोन करते कूलमणि पुओं से कही मत विपद रही मो पा आपन को लगे तो से ही कथार स्पष्ट होता कौटिना कौटि कनेक्शन रही मंत्री पीए सहित बापी विश्वाल सहित से जो फोन तक मिलता से फोन में सीम कार्ड नाला सन्देह आहरी घनीभूत होता जितेबाला जड़े दुर्घटना मृत्युवरण करुच्ची फोन को पुलिस रिकवर करुच्ची से फोन भितर सीम कार्ड ना सीए आउ एक सन्देह को पूजिता तेनाली दुर्गा से निश्चित भाव में बर्तमान कहुपर जो कोर्टर छाट बर्तमान पड़ी मंत्री जो संप्रति अभोग नहीं जो अभोग आसाला जे से निजक निर्दोष बोली प्रमाणित करने चेस्टा करुले कौटिना कौटि पुणि थे जब री इनक्वारी होंत्री पीए और जे महांगा ब्लक चेयरमैन अच्छा कॉल डिटेल जदि कोर्ट को दाखल कराए तो निश्चित भाव में ये एक स्पष्ट हो घटना रे को माने संपुत थिले दुर्गाशीष ओके शांतिभूषण मासी आपन रिएक्शन नेबी विभूति भूषण चौधरी आम सहित जोड़ी होती आईनजीवी सिक्त चौधरी ए प्रसंग रे आम विभिन्न समय डिस्कसन करे आपण सहित भी आपण मतामत भी दिखाई जड़े एक्सपर्ट हिसाब से आज कोर्ट का छात्र पड़ी और मंत्री प्रताप जेना संपर्क पीए शरत नायक प्रफुल्ल विश्वाल एम कॉल डिटेल सीडीआर देवाई कोर्ट कहते ये गोटे बड़ डेवलपमेंट एवं कोर्ट का ये निर्देश गोटे महंगा डबल मर्डर आ प्रफुल्ल विश्वाल मर्डर रो गुमर खोल बड़ सहायक हम निश्चित भाव आपण देखु पुलिस उपरे आउ सामान्य टिके भरोसा नहीं कहीं जो प्रकार सी आरंभ रु इन्वेस्टिगेशन कला एवं जो प्रकार तेरह नंबर अभियुक्त ना काटिदेले तार परवर्ती पर्यायर कंप्लेनाट तरफ रु फाइल करागला प्रोटेस्ट पिटीशन प्रोटेस्ट पिटीशन हियरिंग परे कोर्ट को पाखरे प्राइमा फेसाई जिनस मिल जाइला एवं कोर्ट निर्देश देते आर पुनः तदंत करने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने फर्दर इन्वेस्टिगेशन वार्डटा कोर्ट लिखुं से कोर्ट स्पष्ट करदे जे पुलिस जो प्रकार इन्वेस्टिगेशन कर पक्षपात मूलक अदृश्य शक्तिर कौन से प्रभाव कर पुलिस विभाग हूँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निरपेक्षतार सहित इन्वेस्टिगेशन करने दायित्व दि जाए जिते पुलिस तेरह नंबर अभियुक्त को रक्षा करने को जाए नाटा काटिदेगी पुलिस उपर आड़े मात्र भरोसा ना ये पुनः आउ गोटे घटना घटला जो दुईज कॉल रेकर्ड कंप्लेनाट तरफ इनफर्मांट तरफ कहगला कोर्ट निर्देश दे आप दिंतु आ द्वारा आउ थे कोर्ट स्पष्ट कले जे पुलिस तार इन्वेस्टिगेशन संपूर्ण विफल ये भाया क्षेत्र में इनफर्मांट आल विलंब नक जदि पुलिस कौन सी लाटेस करुची ये अनुभव करुंत सीबीआई इनक्वारी प्रार्थना करें ये दुईटा ही सफिसीएंट मान्यवर हाइकोर्ट तुरंत निर्देश दे पारे किंतु जेहेतु निरपेक्ष चली विचार एवं विचारपति जी एस टी जेएम अच्छा सी दौंती डायरेक्शन एवं इन्वेस्टिगेशन टा ठीक रे हबो
ଯଦି ପୋଲିସ ଆଉ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରେ କୋର୍ଟ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ କୋର୍ଟକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଫେୟାର ହବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏଲଟା ଫେୟାର ହବ। ଯଦି ଟ୍ରାଏଲଟା ଫେୟାର ହବ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆଉ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରେ ପୋଲିସ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟକୁ ସିଧା କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆର ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସିବିଆଇ କରେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାତରେ ପଶିବେ ଯାଇ। ଓକେ ଓକେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ଆଇନର ହାତ ଲମ୍ବା। ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି କିଭଳି ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଦୋଷୀଙ୍କୁ। ଇଏ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଘଟଣା ଏବଂ 11 ମାସ ପରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସେଠି ଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପୁଲିସରେ, ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସରେ, ଏବଂ ସିଏ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଧମକେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ଏ ନେଇକି ବି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଅଛି। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଛେ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ମହାପଞ୍ଚାୟତ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା, ପୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବହିଷ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ଦୁଇଟି କେସ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସାହୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ 5 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ, କୁରମଣି ବରାଳ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯେ ପରିବାରର ରହିଛି, ପରିବାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସେଥିରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ଆସିବା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତ କୋର୍ଟ କହିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରିଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆଉ ପୁଣି କୁହାଗଲାଣି ଯେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁକି ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶରତ ନାୟକ, ତ ଏ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ଆରମ୍ଭରୁ ରଖିଛୁ, ଏବେ ବି ରଖିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଲୁ 5 ତା ଦେହରୁ 2 କହିସାରିଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଏ କାମ କର ବୋଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲୁ। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡରୁଛୁ, କାରଣ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ତେଣୁ କହୁନଥିଲୁ। ଆଜି କହୁଛୁ, 2 ସାକ୍ଷୀ କହିଲେଣି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ତା କାମ ଅସାଧ୍ୟ, ସେ ଅତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଗପୁଛି, ଏସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦିଆସରିଛି ଥାନାରେ। ତେଣୁ ଥାନା କାହିଁ ଦଉନି ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆମର ଭରସା ଅଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଏବଂ ଏ ପୋଲିସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ବୋଧେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କରାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ସିଏ ବୁଲେଇଲେ କି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ IIC ମାଙ୍ଗା ଥାନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ? ତେଣୁ ସେ ନିରପେକ୍ଷତା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। ଯଦି ପୋଲିସ ସାକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଦାଖଲ ନ କରେ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ମୋର ଏ ଭରସା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 25/8 ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପୁନଃ ଆବେଦନ ପାଇଁ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ,
ଏବଂ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେ ଦିଗରେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିଛି ନା ଭିତରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। 25/8 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 November ହେଲା, କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଦିଗରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ନା କରାଯାଇନାହିଁ? ହେଲେ କୋର୍ଟକୁ ତ କିଛି ଅବଦାନ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋ ଓକିଲଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କୋର୍ଟକୁ କିଛି ଦାଖଲ କରିନି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଆସି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଯାହା କହିଥିଲୁ ସେବେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଏବେ ସେଇଆ କହୁଛୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ, ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ବଢା ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋର ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ବାପା, ସେ କାଶୀବାବୁ ବହୁ କଥା ହଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ନଉଥିଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ, ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପଇସା ନଉଥିଲେ, 20,000-30,000 ଆଦାୟ ହଉଥିଲା, ଯାହାର କୋଠା ଘର, ଦୁତଲା କୋଠା ଘର ଅଛି, ତିନିତଲା କୋଠା ଅଛି, ତାକୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ସିଏ ଶୁଖିଲାରେ 20,000 ପାଇବ, ତେଣୁ 20-30,000 ଦବ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଦେହରୁ କିଛି ନଉଥିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଭାଗ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଭାଗ ଥିଲା, ଏବଂ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ତାର ବି ଭାଗ ଥିଲା, ସିଏ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯେ ଆଙ୍କର ଇଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ବି ଖବର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ କାବୁଆ ବିଶ୍ୱାଳ ମରିଗଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଯେତିକି କଥା କହିଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ହଉ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଭିତର ଟାୱାରଟା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କଥା ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନଗେଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୁଦାଲା ମୋତେ ଫୋନଟା କରୁଛି, ମୋର ମୋର ଭୂତବୋଧ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଜଣେ, ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ମିସ୍ କଲ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ତାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ 9118-2551, ଏଇ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲାନି। ସେଇଟା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହେଇଛି, ମୋତେ କପି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା କହିଥିଲେ ଦେଲେନି। ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ଜେନା ମର୍ଡର କେସ୍ ହଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେସ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ 4-5 ଆସିକିରି ପୁଣି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛି ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ୱାରେଣ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲାନି। ବାନ୍ଧିଲାନି କାହା ସାହସରେ ନା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କହିଲା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମଣା କରିଛି। ଆପଣ ଏଠି ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ମହାଙ୍ଗା ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପଛରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି? ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି ଏଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଶରତ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତୁଲ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2009 ଆସିଲେ ଇଏ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବିଜନେସ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ କରିକିରି ସେ ଚଲେଇଲେ, କାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ରଖିକିରି ଏଇଟା କରେଇଲେ, ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆପଣ ଏଇ ସିଡିଆର୍ଟା ପଳେଇ ଆସୁ, ଆପଣ ତ ପାଇବେ କପି, ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁଠିକି ଫୋନ୍ ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଘଟଣା ପରେ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଧମକ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧମକେଇଛନ୍ତି? ଆସୁନି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ରହିଛୁ ନିରବ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଆମେ ମରିଲେ ମରିବୁ, ଆମକୁ ନଡ଼ିବୁନି, ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେମିତି କରିଦବ ସେମିତି କରିଦବ, ଆସୁଛି ବୁଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଓପନ ବୁଲୁଛି, ଆସିକି ପୋଲିସ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, ବୁଲୁଛି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ କରି କହିନି। ଓକେ, ଅସିତ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅସିତ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍, ସେଇଟା କାଟି ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ପୁଲିସ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି କି ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇକି?
हाँ दुर्गाशीष देशर एक्शन नवा सर कौन कह जो मंत्री को तदंत करने कोर्ट किसी कि क्या कौन डिटेल से कोर्ट बर्तमान कहते तदंत कल सीडीआर इज इम्पोर्टेंट टू एस्टाब्लिश मंत्री को तदंत करने निर्देश भाव कौन दे मंत्री को तदंत करने आगुरी तो निर्देश देते 25-8 रे स्पेशली मंत्री को विरुद्ध रे पुनर्तदंत करने निर्देश देते पुलिस पुलिस कौन तदंत सूचना देना हाकिम जेएमएफसी सालेपुर पुनर्बार निर्देश देते केते दूर तदंत करछ को भली भाबर तदंत करछ कोर्ट को जणिया पई मध्ये निर्देश दै छ देखतले दुर्गाशीष जेएमसी कोर्ट जो तदंत करिया पई आउ थरे तदंत करिया पई जेएमएफसी कोर्ट दै छंती सुक्त विभूति भूषण चौधरी एवं सुक्त देवेंद्र साहु अछंती क्विक रिएक्शन नवा पई चाहिबी सुक्त देवेंद्र साहु ये सत्य रो जय हेबो एवं आईन रो बाट हात लंबा जे जत्ते बड़ लोक हो एवं एठी पूरा कॉन्स्पिरेसी हेतिला आपण भी विभिन्न समय खुलासा करथिले निश्चय धरा पड़िबे जे कॉन्स्पिरेटर नहीं आपण देखिबे 25-8 परे पुलिस कौनसी तदंत रिपोर्ट थाना कोर्ट रे देई नथि एवं सबुठारु इंटरेस्टिंग होछि केस रो जोटा म आज कहियब चाहूछि जेतेबेले से फोन करथिले बापी विश्वाल को सेतेबेले तांको लोकेशन थिला निमापडा रे किंतु जो लोक मरिया को चाहिबो से निमापडा रे नमरी की दिन गोटाए केतरे राती 7:05 रे टांगी काई कासिला एवं टांगी रे मला काई की एवं जो पुलिस कहे टांगी रे ट्रक चढ़ीगला गाड़ी थोई दे करे ट्रक चढ़ीगला कहीं से निमापड़ा रे मरी पार ना सुसाइड कर ना तो पुलिस निजे कहे से तो से फोन कला थिला निमापड़ा रे मुझे बर्तमान कॉल रेकर्ड जांच करा दिबो जदि निमापड़ा रे से गोटे पांच रे थिला जत कुलानी बराल फोन ताले 7:05 रे से टांगी काई खाइला आ 9:00 जाके कोड थिला एवं 9:00 भीतर मल्ला से 7:09 ताको मरिया कोन जागा हो टांगी एतु जणा पडछि ताको डक्का जाय कि मारी दिया गला मारी कि ट्रक पटक फोपाड दिया गला ये सबरो खुलासा हबो ए सिम कार्ड जो तीन सिम रो रहस्य अर्गेस प्रथमे देखैथिला ये कोर्ट कहउछंती ये सीडीआर दियंतु काबुआ बापी विश्वास आ शरत नायक रो सुक्त चौधरी क्विक रिएक्शन नवा पई चाहि विशेष कमेंट क्विक रिएक्शन सुक्त चौधरी देखंतु निश्चित भाव रे विचारालय आर निरपेक्ष विचार करिवे दोषी दंड पाइब जदि पुलिस फेल हुए दुई थर पुलिस ऑलरेडी फेल हेती एक कथा कोर्ट को हुदबद हेती जदि कोर्ट कोर्ट कर भरोसा न आसे ए इन्वेस्टिगेशन ने कोर्ट ताक तरफ रु निजे मध्य इनक्वायरी करि परिबे ए सीआरपीसी रे पुजी प्रोविजन अछि आ गोटे कथा होची जे जो माने लुचि थातु ना काई कि जोठी न्यायालय निश्चित भाव रे न्याय दबो एवं से जेडे बड़ा पदाधिकारी हूं ना कहीं निश्चित भाव रे जेल रे जीवन कटिया पड़ो जी बहुत धन्यवाद मो सहित जोड़ी सुक्त विभूति भूषण चौधरी सुक्त देवेंद्र साहू मो सहयोगी शांति भूषण मिश्र और कोर्ट परिसर मो सहयोगी थे आम महांगा रिपोर्टर सहित आईनजीवी भी थे आम सहित कुलमणि बराल पुआ रमाकांत बराल भी थे बड़ कथा जेबे जल जल हो प्रताप जेना संपुक्ति अभियोग गोटे बटे गोटे प्रमाण आसूची एम पीए पीए बापी विश्वास शरत नायक जे महांगा ब्लॉक चेयरमैन तांकर सब सीडीआर मागुछंती एबे जदि ये मंत्री पद रहे ताले तदंत निरपेक्ष हम तो ये बीजेडी एवं सरकार शासक दल सरकार मंत्री रु बाहर करिवे ना कहिवे जे विरोधी गणमाध्यम आणिक प्रमाण दियंतु तापर एक्शन निया जीव ये बड़ प्रश्न सहित अर्गस बिग ब्रेकिंग को यही रखुची नमस्कार।